ये है व्यूज उंथरबर्ग से। आज साल्सबर्ग में हम लोगों का लास्ट डे है और हम लोग थोड़ी सी साइट सीइंग करने के लिए जा रहे हैं। तो वन ऑफ द टॉप थिंग्स इन माय टू डू लिस्ट इन साल्सबर्ग वाज कि मैं कैटरिन को केबल कार में लेके जाऊँ। जिस माउंटेन पे हम लोग जाएंगे उसका नाम है उंथर्सबर्ग। तो जिस काम से हम लोग साल्सबर्ग आए थे वो पूरा हो चुका है और वो काम था मेरी बहन की शादी। माय सिस्टर गॉट मैरिड टू अ ऑस्ट्रियन सिटीजन, हिज नेम इज फेलिक्स। जहाँ तक हो सके मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है इसको, तो कुछ वीडियोज लेके वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये सब मैंने कल शूट किया लेकिन कल मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं किया क्योंकि ये बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए और फैमिली फंक्शन था। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं उंथर्सबर्ग। ये है व्यूज उंथरबर्ग से। क्योंकि हम लोग प्रॉपर ट्रैकिंग शूज नहीं लेके आए हैं इसलिए हम लोग वहाँ पे ट्रैक नहीं कर रहे हैं। कुछ 8.5 मिनट की केबल कार राइड थी। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेड टेकिंग व्यूज। लुक एट दैट, आई गॉट अ कूल वन। वहाँ पे आप लोगों को बस छोड़ेगी जब आप आओगे, तो वहाँ से फिर आप ऐसे ऊपर आना और यहाँ से आप लोग केबल कार ले सकते हो। यहाँ से ऐसे जाती है और आपको वहाँ ले जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। अब यहाँ से हम लोग वापस सिटी सेंटर जाएंगे। बस नंबर 25 आएगी, वो कैच करेंगे। हाईली रिकमेंडेड थिंग हम लोगों ने कर ली जो था उंथर्सबर्ग माउंटेन और केबल कार एक्सपीरियंस। अब हम लोग वापस होटल जाएंगे, ये सामान वहाँ पे रखेंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे एक वीगन रेस्टोरेंट में जहाँ पे मैं अपनी बहन और ब्रदर इन लॉ से मिलूँगा। उन लोगों के साथ हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। आज हम लोगों का साल्सबर्ग में लास्ट डे है, कल सुबह हम लोग बेल्जियम के लिए वापस जा रहे हैं। So it's 4:30 a.m. and we are headed towards Belgium. हम लोग अभी स्टुटगार्ट से काफ़ी पास हैं और सुबह 4:30-5:45 बजे के करीब हम लोगों ने जर्नी शुरू की और कैटरिन तब से गाड़ी चला रही थी। अभी उसका फर्स्ट ब्रेक है, कल ओडिन वापस आएगा, कैटरिन कल जाके उसको पिक करेगी और अभी हम लोग अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, मैंने अभी बोर्ड पढ़ा और स्टुटगार्ट 121 किलोमीटर है, मैंने सोचा कि 170 है लेकिन हम लोग काफ़ी पास हैं। अभी हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है कुछ खाने के लिए, ऑलमोस्ट लंच टाइम है और कैटरिन भी अपने पैरों को थोड़ा सा रेस्ट दे रही है। मैं यहाँ पे चिल कर रहा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। हम लोग बस अभी 350 किलोमीटर दूर है बेल्जियम से एंड देन होम स्वीट होम। हे, वी ऑफिशियली एंटर्ड बेल्जियन बॉर्डर। ब्रसल्स रिंग रोड पे बहुत बड़ा जैम लगा है तो कम से कम 20-25 मिनट तो वेस्ट होने ही है। बहुत बड़ा जैम था, बहुत टाइम लग गया निकलते निकलते।
अब हम लोग जा रहे हैं गेंट की तरफ, वहां से फिर जाएंगे ऑस्टेन। बताओ एक और जाम लग गया। She's been driving since 4:30 a.m. and I know because I have driven longer distances as well. It's very, very tiring. Almost home, like 2 more minutes and then we are home. But yeah, what an epic journey, man. Like we've gone almost 1,000 kilometers and we've come back into the mountains with a beautiful landscape, beautiful nature, so scenic, such a beautiful experience overall. Finally, we are home. What an amazing trip. She has taken us all the way to Austria without any experience in the mountains. And she's driven so beautifully. I can't express how thankful I am to her for doing this. If it wasn't for her, we would never reach Salzburg and back safe and sound to Austin. Thank you so much, Katrin. I love you. बहुत भूख लग रही है। इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। That's it for today's vlog. Thank you so much for hanging out. I hope you enjoyed the video. I'll see you in the next one. Until then, peace. अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और इस वीडियो पे एक लाइक भी मार दीजिए। We'll be right back.